अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मेरी थंबनेल से तो पता चल ही गया कि आज मेरे हाथ लगा है मेरी आपी का बैग। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं मेरी आपी ने क्या क्या इसमें रखा हुआ है। वजन से तो बहुत भारी भड़कम लग रहा था, तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है। लेकिन ये एथिक्स के अगेंस्ट है, हम नहीं ओपन करेंगे। आपी खुद ही ओपन करके हमें दिखाएंगी कि इसमें क्या क्या है। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, आपने एंड तक वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो जी, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय सिस्टर माय आपी। तो ये एमके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स वो यूज़ करती हैं, सीरम्स हैं, नाइट सीरम और डे सीरम। ये भी आज उन्होंने ऑर्डर किए थे, आए थे, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं। आपको ये तो पता चलेगा कि उन्होंने बैग में क्या रखा हुआ है, लेकिन उनकी डे और नाइट क्या रूटीन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ब्लू कलर का जो सीरम है ये नाइट सीरम है, और ये ऑरेंज वाला डे वाला है। ये मेरी सिस्टर की रूटीन है कि वो ये दो सीरम अप्लाई करती हैं और यही उनको सूट करते हैं। जिन लोगों की एक्ने वाली स्किन है, थोड़ी सेंसिटिव है, तो ये बेस्ट है उनके लिए। तो जी चले, हम आपको ओपन करके भी दिखाते हैं। ये है इनकी लुक। प्राइस वगैरह मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मेरी सिस्टर इस्तेमाल करती हैं, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा तो वहाँ ही मैं प्राइस बता दूँगी सीरम्स की। चलें जी, प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, हम आ गए हैं अपनी आपी के पास। लेट्स सी व्हाट शी कीप इन हर बैग। आपी जी ओपन करें ज़रा। चलें आपी जी दिखाएं ज़रा, पहले तो बताएं कि बैग कहाँ से लिया था आपने। ये बैग मैंने कैश एंड कैरी से लिया था, मेट्रो कैश एंड कैरी से। अच्छा, कितने का? व्हाट, अब याद नहीं है मुझे कितने का लिया था। अच्छा जी, चलें। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से स्टार्ट करूँ। एक वॉलेट है। ओके, लुक्स नाइस। ये भी मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी से लिया था, इसमें कुछ कार्ड्स और डॉलर्स भी हैं। ओह माय गॉड। और इसका ये वाली साइड पे, यहाँ पे मैंने इसमें कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। ओके, ये छोटा सा वॉलेट है मेरा। ओके, चलिए आज आप लोगों के बहाने मुझे भी पता चल जाएगा कि क्या क्या रखा हुआ है आप ही ने। नेक्स्ट दिखाएं। नेक्स्ट ये फेस वॉश है, ये मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। okay. क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये जेल फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन क्लीन करता है और हाइड्रेट रखता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें मैंने मॉइस्चराइजर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि ये ट्रैवल फ्रेंडली है कहीं आने जाने। ये तो शेखों वाले काम ही किए हुए हैं आपने। नहीं, कहीं आने जाने के लिए ना छोटे ये बॉक्स बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल कैचर, क्योंकि गर्मी है, बाल बांधने के लिए कभी ये। ओके, और इसके अलावा एक ये है, एयरपोर्ट्स हैं। ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे। हम दोनों के सेम है, मेरी बहन के और मेरे, मैं ही लेके आई थी, तो इसके भी और मेरे सेम है। फिर एक ये छोटा सा परफ्यूम मैंने रखा है। एक्चुअली कितना क्यूट है ना। दो परफ्यूम है, ये दो मैंने रखे हुए हैं। ये इजी टू कैरी, गर्मी है तो जब स्वेटिंग होती है फिर उसके लिए जो है ना ये अच्छा होता है। कहीं आउटिंग पे गए हो लॉन्ग टाइम के लिए तो इसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। एंड देन वी हैव दिस क्यूट ग्लासेस, थोड़े गंदे हो गए हैं, सॉरी। जबरदस्त, क्योंकि समर्स हैं तो। हाँ, ये तो मस्ट हैव है ना समर्स में, इसके बगैर तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। देन ये एक हैंड वॉश है, इसमें मैंने डेटोल हैंड वॉश जो है ना वो ऐड किया हुआ है। ये तो शेखों वाले काम ही किए हुए हैं ज्यादातर। ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए ना। हाँ, बैग में इस तरह के कंटेनर्स वगैरह में या एज अ पाउच हम यूज कर सकते हैं। व्हाट वी हैव नेक्स्ट। नेक्स्ट ये एसपीएफ है मेरे पास, ये भी गर्मियों के लिए मस्ट है। जबरदस्त। और ये टिंटेड मॉइस्चराइजर है, जरा इसको डेमो, इसका डेमो दे देना थोड़ा सा ना। टिंटेड है, बड़ा जबरदस्त है ये, और मेरा भी फेवरेट है ये। तो ये लगाने के
लिए आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से लगाने की और कुछ जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे ना एक बड़ी अच्छी स्मूथ सी फिनिश आती है, अब्सॉर्ब हो रहा है कितनी जल्दी, कोई वाइट कास्ट भी नहीं है, और ऐसे लगता है जैसे कोई जो है ना बीबी क्रीम या कुछ इस तरह लगाया हो। ये ऐसा है, दोनों का जरा डिफरेंस दिखाओ, जबरदस्त कितना शाइन कर रहा है ना, जबरदस्त। अच्छा जी, अगर आप ये बाय करना चाहें तो मेरा भी फेवरेट है ये, और डेमो आप लोगों के सामने है, ये सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, जबरदस्त। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, और अब ये एक सीएसी ये तो मस्ट है ना सबके लिए, हाँ ये होनी चाहिए विटामिन सी की ना, जबरदस्त। अच्छा, समर्स में एक्टिव रहने के लिए ना ये तो मस्ट है ना, मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और आप लोग भी, ये एक तरह का रिमाइंडर है कि आप लोग इसको समर्स में या वैसे भी लेना चाहिए, लेकिन समर्स में मस्ट है क्योंकि स्वेटिंग वगैरह होती है ना, तो उसके लिए ज़बरदस्त है। अच्छा जी, नेक्स्ट, इतने ज़्यादा टिश्यू चोरी करके रखे हुए हैं रेस्टोरेंट्स के, नहीं रेस्टोरेंट्स के ये वैसे मैंने अपने बैग में रखे हैं कि ज़रूरत पड़ती है, एक पैकेट भी था वो पता नहीं अब कहाँ मिसप्लेस हो गया मुझसे, ये हैं और अब एक पोनी एंड एक ये छोटी चुटकी सी मेरे पास है, इसके अंदर पिंस हैं और इसमें भी एक पोनी है, कितनी क्यूट है ये, हाँ ये तो होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाँ कहीं जाए बंदा आउटिंग पे या कहीं या बाहर तो इन ये चीज़ें बंदा किसी से मांग भी नहीं सकता तो ये तो होनी चाहिए। ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, इतनी ज्यादा लिपस्टिक चोरी करके मेरी साड़ी, ये तो नूर की है ये बहुत अच्छी है, एक तो ये मॉइस्चराइज्ड टाइप है, पिगमेंटेड वो होता है, और एक ये ना बड़ा लाइट सा कलर आता है, तो ये बहुत अच्छी है, और ये वाली तो अच्छा, ये वो निशु आपी वाली है जी, हाँ इस बाय एनके की, ये इसका भी कलर बहुत अच्छा है, जांगुल, ये जरा डेमो दे थोड़ा सा, बड़ा लाइट सा और डेली यूज के लिए ना कलर बहुत अच्छा है इसका, जबरदस्त। और ये है भी बहुत, हाँ इजी टू कैरी, इजी टू, बहुत जबरदस्त है ये, छोटू सी क्यूट सी लगती है, अगर किसी डार्क कलर की तरफ जाए तो फिर ये मैंने अपने बैग में रखी, इसलिए ये तीनों रखी हुई है, ये लाइट ही उससे डार्क और ये सबसे डार्क, एक ये क्रिस्टाइन का फेस पाउडर है, ये तो इतना यूज किया हुआ है कि ये ऊपर से उड़ ही गया है बेचारा, इसमें ये वाला शेड है जो मैं यूज, शेड दिखा दो जरा, वैसे ये ऑल स्किन के लिए मैं भी इसको यूज करती हूँ तो बहुत जबरदस्त है। ओके जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, इतना ज्यादा सामान रखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारी बैग में, कभी मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाती हूँ तो उसी बहाने मैं भी देख लूंगी, तो इतना ज्यादा सामान माशाल्लाह रखा हुआ है, अभी और भी है। ओके जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अब ये एक डायरी है, ये मैंने रखी है, हाँ कुछ रिमाइंडर्स के लिए या जो चीज मुझे अच्छी लगे वो मैं नोट्स वगैरह बनाने के लिए, जबरदस्त है ये, बहुत अच्छी चीज है। लास्ट पे ये एसेंस का मस्कारा है, लैश प्रिंसेस, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका जो ये ब्रश है ना ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अगर लगाया हो ना तो कोई लैशेस को, कोई आई लैशेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये थोड़ा फोकस नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, ये लगाया तो कोई भी आई लैशेस या एक्स्ट्रा उनको वो क्या कहते हैं, मुझे क्रम क्या कहते हैं बोलो, चलो जो भी कहते हैं ठीक है, वो मतलब करने की एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती बस। ओके, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया अब, नहीं कुछ तो होना चाहिए, नहीं खत्म हो गया। अच्छा, इसके पीछे ये छोटू सी पॉकेट है, इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें दिखाओ जरा, कुछ थोड़े से पैसे हो वो थोड़े बहुत रख लेती हूँ, अदरवाइज ओके, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप ऐसे ही हमारी वीडियोस में आती रहे, और फिर किसी दिन आपकी किसी वैनिटी या कोई कोई ट्रैवल बैग के बारे में, क्या आप ट्रैवलिंग अगर करें तो क्या रखना पसंद करती हैं वो भी आपके बताएंगे। चलें जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ये मैं ले लूँ, मेरा है यही तो काम की चीज़ है, ये तो मुझे दे दो। ओके जी।